सारी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात हो रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या इससे डरने की ज़रूरत है, यह कितनी बड़ी चिंता का विषय है, हमें इसके बारे में क्या जानना चाहिए, क्या इसकी वजह से वैक्सीन्स काम करेंगी या नहीं करेंगी, क्या ओमिक्रॉन की वजह से भारत में तीसरी लहर आ सकती है। आइए इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई कि दक्षिण अफ्रीका से एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है और जिसमें करीब 50 म्यूटेशन हैं, उसमें से 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पर हैं और साथ में 10 ऐसे हैं जिनको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्सपर्ट्स ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया और साथ ही इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया। किस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं? तो एक्सपर्ट ने निर्धारित किया है कि अगर किसी वेरिएंट में कुछ खास क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर वह ज़्यादा फैलता है, अर्थात तो उसमें ट्रांसमिसिबिलिटी अधिक होती है, या फिर वो गंभीर बीमारी करता है, या फिर उसमें इम्यून स्केप अर्थात नेचुरल इन्फेक्शन के बाद बनी इम्यूनिटी या वैक्सीन के बाद बनी इम्यूनिटी से लड़ पाने की क्षमता होती है, या जो उपलब्ध डायग्नोस्टिक्स हैं या दवाइयां हैं उसके खिलाफ काम नहीं करें। तो इन चार चीज़ों में से कोई भी बात अगर किसी वेरिएंट में पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दे दिया जाता है। इसमें कई सारे म्यूटेशन हैं, कुछ म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हैं, साथ ही कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जिनको पहले मिले वेरिएंट में भी पाया गया है। अगर कोई म्यूटेशन स्टैंड अलोन होता है या अकेला होता है तो उसका जो आउटकम होता है वो बहुत अलग तरीके से होता है। वैज्ञानिक इस बात को नहीं जानते हैं कि अगर सारे म्यूटेशन एक साथ होते हैं तो क्या उनका नतीजा वही होगा जो स्टैंड अलोन में होता है या कुछ अलग निकलेगा। इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि यह अधिक तेज़ी से फैलता है, यह कह पाना मुश्किल है कि क्या इसमें इम्यून स्केप है या इससे डिफरेंट लक्षण आएंगे। बात आती है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्या अंतर है। तो पहली बात यह है कि डेल्टा में करीब 17 से 23 म्यूटेशन पाए गए थे, ओमिक्रॉन में करीब 50 म्यूटेशन हैं। लेकिन याद रखना होगा कि सिर्फ म्यूटेशन की संख्या से सब कुछ निर्धारित नहीं होता है, किस टाइप के और कहां पर वो म्यूटेशन है वो निर्धारित करते हैं। तो देखा गया है कि इसमें जो म्यूटेशन है वो स्पाइक प्रोटीन के उन जगहों पर हैं जैसे कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जो इस बात में सहायता करता है कि वायरस व्यक्ति की कोशिका से कैसे अटैच करेगा, और उसका जो आउटकम होता है वो निर्धारित करता है कि कितना संक्रमण होगा। दक्षिण अफ्रीका से फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वह बताती हैं कि यह कुछ अधिक संक्रामक है, लेकिन इसको कन्फर्म होना अभी बाकी है। दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है कि जब एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों में इतना संक्रमण नहीं मिलता है। जबकि अगर हम कुछ महीने पहले डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो परिवार का अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता था तो परिवार के अन्य सभी व्यक्तियों को इन्फेक्शन हो जाता था। तो अभी फिलहाल मिली जुली खबरें हैं कि यह हो सकता है अधिक संक्रामक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अभी इस पर और जानकारी इकट्ठी करने की ज़रूरत है। दूसरी जो अन्य खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमित हुए व्यक्तियों में अधिकतर माइल्ड इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है और गंभीर बीमारी की अब तक लगभग कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पिछले 10 दिनों में ओमिक्रॉन की वजह से किसी भी मृत्यु की खबर नहीं आई है। तो यह बातें इस बात की तरफ संकेत देती हैं कि हो सकता है ओमिक्रॉन एक माइल्ड इन्फेक्शन ही करता हो। क्या ओमिक्रॉन के खिलाफ फिलहाल उपलब्ध वैक्सीन्स काम करेंगी? जवाब है हाँ। अभी तक इस बात का कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिला है कि जो वैक्सीन्स हैं वो ओमिक्रॉन के खिलाफ काम नहीं करेंगी। हमें याद रखना होगा कि अब तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सबके खिलाफ वैक्सीन्स काम करती रहती हैं। लेकिन हाँ, यह संभव है कि फिलहाल अगर वैक्सीन की एफिकेसी या इफेक्टिवनेस 70% है या 80% है तो कुछ कम हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन्स काम नहीं करेंगी। वैक्सीन्स ओमिक्रॉन के खिलाफ भी काम करती रहेंगी। हाँ, एक बात और याद रखने की है कि जिस व्यक्ति को कोई भी वैक्सीन नहीं लगी वो इसके संक्रमण से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखता है। जिसको एक वैक्सीन का डोज लग जाएगा उसको संक्रमण के बाद गंभीर बीमारी होने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर हमें वैक्सीन से पूरी तरह सुरक्षा लेनी है तो हर व्यक्ति को जितनी फिलहाल उपलब्ध वैक्सीन्स में से
कोई भी वैक्सीन के दो शॉट लेना जरूरी है। क्या ओमिक्रॉन की वजह से हमें बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है? अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो वैक्सीन के दो शॉट लगवा चुका होता है, उसमें भले ही समय के साथ एंटीबॉडी की संख्या कम होती चली जाती है, लेकिन माना जा रहा है कि व्यक्ति 9 महीने से लेकर 12 महीने तक प्रोटेक्टेड रहता है। तो फिलहाल अभी अधिकतर देशों में बूस्टर डोज रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर वैक्सीन्स किसी भी वेरिएंट के खिलाफ काम करती रहती हैं। तो ओमिक्रॉन की वजह से यह जरूरी नहीं है कि बूस्टर शॉट लगाया जाए। हाँ, यह बात याद रखने की है कि आने वाले समय में हो सकता है बूस्टर शॉट का रिकमेंडेशन कुछ स्पेशल आयु वर्ग के लिए दिया जाए, जैसे कि 60 साल से अधिक उम्र के लोग या स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, नर्सेज या फ्रंटलाइन वर्कर्स। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोविड-19 बूस्टर फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है, और अगर जब भी होगा तो संभवतः सेकेंड डोज लगने के 12 महीने बाद ही बूस्टर शॉट का रिकमेंडेशन होगा। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट को आरटीपीसीआर से पहचाना जा सकता है? इस बात को दो हिस्सों में समझना होगा। पहली बात है कि जो कोरोना वायरस होता है, सार्स कोवी टू जिसका वैज्ञानिक नाम है, उसको आरटीपीसीआर से पहचाना जाता है। वेरिएंट भी सार्स कोवी टू के प्रकार होते हैं, तो वो आरटीपीसीआर से पकड़े जा सकते हैं। लेकिन यह जानने के लिए कि वो कौन सा वेरिएंट है, एक जीनोमिक सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आरटीपीसीआर सार्स कोवी टू वायरस को बताता है। अगर किसी व्यक्ति में वो वायरस पाया जाता है, अर्थात वो कोविड-19 पॉजिटिव होता है, और संभावना रहती है कि अगर उसमें ओमिक्रॉन है, तो उस व्यक्ति का सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जीनोमिक सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें करीब 24 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। इसलिए आरटीपीसीआर से पहले व्यक्ति का कोविड-19 पॉजिटिव होना या न होना कंफर्म किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, फिर उसका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जाएगा और उससे पता चलता है कि व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या अन्य कोई वेरिएंट है। क्या फिलहाल उपलब्ध दवाइयाँ, मेडिसिन्स जो अन्य वेरिएंट के खिलाफ काम करती हैं, ओमिक्रॉन के खिलाफ काम करती रहेंगी? इसका जवाब फिलहाल हम नहीं जानते हैं। उसकी वजह यह है कि अधिकतर दवाइयाँ गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों पर काम करती हैं। ओमिक्रॉन के मामले में उस तरह के गंभीर मरीज अभी फिलहाल मिल ही नहीं रहे हैं, और इसलिए उन पर इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम नहीं जानते कि वो दवाइयाँ काम करेंगी या नहीं करेंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकतर दवाइयाँ संभवतः काम करती रहेंगी। ओमिक्रॉन की वजह से बच्चों को कितना खतरा है? हमें याद रखना होगा कि कोविड-19 या सार्स कोवी टू वायरस सभी आयु वर्ग को संक्रमित करता है। हमारा संक्रमण से अधिक ध्यान इस बात पर है कि किस आयु वर्ग को गंभीर बीमारी होती है, किसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, किसमें मृत्यु की संभावना रहती है। पिछले 21 महीनों में देखा गया है कि बच्चों को संक्रमण तो होता है, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, उनको गंभीर बीमारी नहीं होती है और उसकी रिस्क बहुत कम है। फिर इसके कई सारे वेरिएंट, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आए, और इन वेरिएंट्स में देखा गया है कि भले ही ये वेरिएंट्स हैं, लेकिन जिस तरह से किसी भी आयु वर्ग को प्रभावित करते हैं, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। अर्थात तो जो ओरिजिनल वायरस था, वो भी एल्डरली और 45 साल से 59 साल में जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन्हीं को प्रभावित करता था। उसी तरह से बाद के भी सभी वेरिएंट उसी आयु वर्ग को प्रभावित करते हैं। अर्थात वेरिएंट आने के बावजूद बच्चों में खतरे का कोई बदलाव नहीं आया है और वो बच्चे लो रिस्क पर बने हुए हैं। इसलिए अब यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि ओमिक्रॉन की वजह से बच्चों को अतिरिक्त खतरा है। हम भारत में देख चुके हैं, कई सारे सीरो सर्वे हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरों पर। अधिकतर सीरो सर्वे में मिला है कि बच्चों को एंटीबॉडी उसी दर पर या उसी प्रपोर्शन में एंटीबॉडी मिले हैं जिसमें एडल्ट्स को मिलते हैं, लेकिन बच्चों में गंभीर बीमारी न के बराबर हुई है या बहुत कम हुई है। तो बच्चों को इसका खतरा बहुत कम है, साथ में वो इन्फेक्शन होने के बाद नेचुरली प्रोटेक्ट हो चुके हैं। बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन कब लगेगी? हम जानते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन गंभीर बीमारी से बचाती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना को कम करती हैं और मृत्यु को रोकती हैं। चूंकि बच्चों में गंभीर बीमारी
की दर बहुत कम होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की दर बहुत कम होती है और मृत्यु की संभावना नगण्य के बराबर होती है, इसलिए बच्चों को वैक्सीन लगाने का इतना अधिक फायदा नहीं है। वैक्सीन्स को सारी दुनिया में प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है, जिस आय वर्ग को अधिकतम रिस्क होता है उसको वैक्सीन पहली प्राथमिकता में दी जाती है, इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि एडल्ट आय वर्ग को वैक्सीन रेगुलर रूप से लगाई जाए, खासतौर से 60 साल से बड़े लोगों को, 45 से 59 साल के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको वैक्सीनेशन की प्राथमिकता है, फिर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगानी चाहिए। यह जरूर है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ ओल्डर चिल्ड्रन अर्थात 12 से 17 साल के बच्चे जो हाई रिस्क पर हैं, उदाहरण के तौर पर उनको कोई बीमारी है, उनका लंबे समय से इलाज चल रहा है या एस्मा जैसी कोई दिक्कत है, 12 से 17 साल के उन बच्चों को जो हाई रिस्क हैं उनके लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि स्वस्थ बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह संभव है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी वैक्सीन आ जाती है जो नेजल वैक्सीन हो, नाक से दी जा सके, जो संक्रमण को भी कम करती हो सकता है बाकी बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं और उससे पहले वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का कोविड-19 वैक्सीनेशन हो जाए। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया में स्कूल्स खुले हुए थे और बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही है। बहुत ही कम देश हैं जहाँ पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बच्चों को कोविड-19 का खतरा बहुत कम है। साथ में सारी दुनिया में सहमति है कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो माता पिता से मेरा यही अनुरोध होगा कि वैक्सीन का इंतज़ार नहीं करें, बच्चे सुरक्षित हैं, स्कूल्स की वजह से उनको कोई एडिशनल इन्फेक्शन की संभावना नहीं है, बच्चे स्कूल्स अटेंड कर सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखनी होगी, जो बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका पालन करना है, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन उन्हें स्कूल भेजने के लिए ज़रूरी नहीं है। क्या ओमिक्रॉन की वजह से भारत में तीसरी लहर आ सकती है? जवाब है, संभावना बहुत कम है। याद रखना होगा कि भारत में एक दूसरी लहर आई थी जो काफ़ी लोगों को प्रभावित की थी, उसके बाद जो सीरो सर्वे हुआ था उसमें करीब 70% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे। उसके बाद भारत में वयस्क आय वर्ग का कोविड-19 वैक्सीनेशन भी तेज़ी से चल रहा है, करीब 85% एडल्ट को एटलीस्ट वन शॉट मिल चुका है। इसलिए इन दोनों बातों को साथ में रखें तो विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारत में तीसरी लहर की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन अगर हमें उसको डिले करना है या उसको सच में रोकना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हर एडल्ट व्यक्ति जो कोविड-19 टीकाकरण के लिए एलिजिबल है वो अपने दोनों टीके लगवाए। साथ में बहुत ज़रूरी है कि भले ही हमारे आसपास प्रतिदिन आने वाले केसेज की संख्या कम हो गई हो तो भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना है, खासतौर से मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। फेस मास्क को इस तरह से पहनना होगा कि नाक और मुंह दोनों पूरी तरह से कवर रहें। जो भीड़ भरी जगहों में अगर व्यक्ति जाते हैं तो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड जगह में जाएं, भीड़ भरी जगहों को अवॉइड करें। इन सब बातों का अगर हम पालन करते रहेंगे तो हम आने वाली किसी भी लहर को या कोविड-19 के केसेज को बढ़ने से रोक सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको ओमिक्रॉन के बारे में ज़रूरी जानकारी मिली और आपके सवालों के जवाब भी मिले होंगे।